नई दिल्ली से लखनऊ के सफर पर हम निकल चुके हैं और तेजस एक्सप्रेस अपनी स्पीड से चल रही है और इस समय हम एग्जीक्यूटिव क्लास में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस ट्रेन की मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं। शुभांगी श्रीवास्तव जी हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। शुभांगी जी, क्या आपको जब ट्रेन चल रही है, इधर हम कह लोगों को जो है नाश्ता दिया जा रहा है, तो किस तरीके के चैलेंजेज, मतलब मुझे तो लग रहा है कि बड़ा डिमांडिंग है आपका जॉब। सर बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं, आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं कि पैसेंजर्स भी खुश हैं, बच्चे हमारे साथ हैं। और चैलेंजेस ये है कि थोड़ा सा ट्रेन का जो टर्बुलेंस है वो फैक्टर है, बट आप उसमें देख रहे हैं वो हमारे काम को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। हमारी क्रूज़ बहुत ही आसानी से ट्रॉली पे कंट्रोल है उनका, बहुत आसानी से सर्विस कर रही हैं, बहुत ही अच्छे से पैसेंजर्स को ग्रीट करी, पैसेंजर्स की सर्विसेज चल रही है, पैसेंजर्स भी हमारे साथ खुश हैं, हम पैसेंजर्स के साथ खुश हैं। अच्छा, ये तो एग्जीक्यूटिव क्लास है, अगर हम चेयर कार की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा जगह कम लगती है मुझे, कि इस तरीके का जो है जो मूवमेंट है वो बहुत आसान नहीं है। सर बात तो सही है कि मूवमेंट आसान नहीं है, लेकिन मूवमेंट हमारी जो भी लड़कियां हैं बहुत ही आसानी से कर ले रही हैं, वो अब उनकी हैबिट हो चुकी है, वो बहुत ही आसानी से ट्रॉली ले जा सकती हैं, लाती हैं, सर्विसेज करती हैं, पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। जगह छोटी है इसलिए हम एक लिमिटेड टाइम में सर्विस फिनिश करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारे साथ पैसेंजर्स बैठे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, वो आराम से अपना पास कर सकें, आप जा सकें, टहल सकें। अच्छा, होता है क्या है, जब आप लोग इसको कंपेयर करते हो कि हवाई जहाज़ की सर्विस से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन एरोप्लेन में तो अगर हम डिस्टेंसेज देखें या टाइम देखें तो टाइम कम लगता है जी। अब जब ट्रेन की बात करते हैं 6.5 घंटे का रन है, इसमें लगातार अगर मान लिया ऐसा कोई आदमी आ जाए, फिर बुला रहा है, फिर बुला रहा है, ऐसे तो पैसेंजर्स मिलते होंगे ना। सर भगवान की दुआ से अभी तक तो ऐसे पैसेंजर्स मिले नहीं, और क्योंकि हमारी एयर हॉसेस ऑलरेडी पैसेंजर्स की सेवा में लगी रहती हैं और जो भी होता है कॉल बेल बजाने पे आ जाती हैं, तो ऐसी दिक्कत, ऐसा मौका आने ही नहीं देते कि कभी हमें किसी भी चीज़ का कोई सामना करना पड़े। अच्छा, ये जैसे जो स्टाफ है आपका यहाँ से नई दिल्ली से लखनऊ गया, उसके बाद क्या इसको दोबारा इसी स्टाफ को आप लाते हैं कि नहीं? सर बिल्कुल नहीं, ये स्टाफ अब आज जो यहाँ जाएगा ये स्टाफ अब पूरा आराम करेगा, कल का पूरा इसका रेस्ट होगा, कल हमारे नया स्टाफ हमारे साथ चलेगा। अच्छा, इस तरीके की खबरें भी आई कि कुछ लोगों के साथ दिक्कत हुई, जो आपकी ट्रेन होस्टेस हैं उनका कहना था कि लोग सेल्फी ले रहे हैं और इस तरीके की परेशानी आ रही थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर क्योंकि शुरुआत ये पहली एक ऐसी ट्रेन है जो कि कॉर्पोरेट है, प्लस कॉर्पोरेट होने के साथ साथ आधुनिक सुविधाएं हैं इसमें, एकदम हवाई जैसी सुविधाएं हैं, तो शुरुआती तौर में लोगों के अंदर बहुत क्रेज़ था कि वो ट्रेन के साथ फ़ोटोज़ लें, हॉस्टेसेस के साथ फ़ोटोज़ लें, बट अब मुझे खुद महसूस होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जा रहा है ये सब नॉर्मल हो रहा है, पैसेंजर्स भी आते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं ट्रेन के साथ, बट वो अपनी एक मेमोरी बनाने के लिए, कि उनकी तेजस के साथ एक खूबसूरत मेमोरी है जिसको वो क्रिएट करना चाहते हैं। और रही बात हॉस्टेसेस के साथ फ़ोटो लेने की, तो वो उन पर डिपेंड करता है, वैसे तो मैंने देखा नहीं है कि अभी कोई ऐसा हो रहा है, आते पैसेंजर्स खुशी से आते हैं, हमारी सर्विसेज इंजॉय करते हैं, आराम से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, हमारे पास ज़्यादा एक्सेसरीज है उनसे उसी में इंगेज रहते हैं कि कभी कोई ऐसा इशू नहीं होता। अच्छा, आप लोग नाश्ता जो देते हो उसमें क्या क्या देते हो? सर हम लोग अगर बात करें सुबह की, तो सुबह हम सबसे पहले तो वाटर सर्विस करते हैं, देन वेलकम ड्रिंक्स होती हैं हमारी, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट देते हैं, ब्रेकफास्ट में देवल सेवरल थिंग्स लाइक आलू पराठा, कटलेट्स, उपमा, उत्पम, पोहा, चटनी एंड एवरीथिंग। एंड आफ्टर दैट हम बिफोर रीचिंग गाज़ियाबाद हम वहाँ पे उनको लाइट रिफ्रेशमेंट भी देते हैं, दैट इज उसमें समोसा होता है, मफिन्स होते हैं और हमारी कोई भी छाछ या कोई भी ड्रिंक होती है। देन अगर हम बात करें दोपहर की, जो कि हम दिल्ली से लखनऊ का सफ़र तय करते हैं, उस बीच हम अपने पैसेंजर को शुरुआत में पानी की बॉटल, उसके बाद वेलकम ड्रिंक्स जिसमें छाछ होता है, लस्सी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जूसेस होते हैं, उसके बाद हम उन्हें स्नैक्स देते हैं जिसमें कि हमारा समोसा है, नमकीन है, मफिन्स हैं, बच्चों के लिए जो है स्टिकर्स होते हैं मफिन्स के साथ, हम उनको सर्व करते हैं। उसके बाद हम अपना, जब हमारा सारा स्नैक्स टाइम हो जाता है उसके बाद नियर अबाउट 7 हम उनको डिनर सर्व करते हैं, जिसमें कि पनीर वैरायटी होती है, अगर वेज है तो पनीर वैरायटी है, ड्राई वेजेस हैं, देयर वर सेवरल वैरायटीज ऑफ चपाती लाइक लच्छा पराठा, तवा पराठा, पुलाव एंड एवरीथिंग, एंड इन नॉन वेज देयर विल बी अ वैरायटी ऑफ चिकन। अच्छा, तो लोगों को खाना पसंद आ रहा है? नहीं सर, बहुत पसंद आ रहा है। मैं आप जो पैसेंजर्स शायद पहले ट्रेन में नहीं खाते थे, हमारे यहाँ का स्वाद चखने के बाद
ज़रूर से ज़रूर वो खाना चाह रहे हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, पहले ही बुक्ड हो जाता है, पैसेंजर्स जो दो दो तीन दिन बाद ट्रैवल कर रहे हैं उनको खाना बहुत अच्छा लग रहा है और हमें उनको सर्व करना बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है और आने वाले दिनों में इस तरीके का अनुभव आम होगा भारतीय रेलवे में, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। कैमरामैन शुभम के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, तेजस एक्सप्रेस।